नमस्कार। साथ आपकी शादी को चाहे कितने भी साल हो जाए, परंतु एक बात ध्यान रखना कि अपने जीवन साथी से ये बातें कभी मत कहना। पति पत्नी के जो बॉन्डिंग होती है ना, बहुत ही मजबूत होती है, और अगर उसमें से थोड़ी सी भी अगर आप अगर बोलने का अगर ध्यान नहीं रखोगे ना, तो वो बॉन्डिंग, आपकी बॉन्डिंग कमजोर हो सकती है। आजकल पता है आपको, रिलेशन ज्यादा नहीं चल रहे हैं, पति पत्नी के बीच में हो या कुछ भी हो, या मतलब अपने जीवन साथी के बीच में रिलेशन ज्यादा नहीं चलते। आप अभी नाउ वर्तमान प्रेजेंट टाइम में आपने देखे होंगे, किसी की 2 साल, किसी की 4 साल, किसी की 5 साल में भी तलाक हो रहे, पति पत्नी के नहीं बन रही है, अलग रह रहे। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आखिर आपके जीवन साथी के साथ में आपकी क्यों नहीं बन रही है? क्या आपका बिहेवियर, क्या आपके कुछ बोलने की ऐसी आदतें, क्या आपका रहन सहन, या क्या कुछ ऐसी आदतें हैं जो आप दोनों को बीच का टकराव पैदा कर रही हैं? आपकी शादी को चाहे कितने भी टाइम हुए हैं, लेकिन ये बातें अपने जीवन साथी के सामने मत कहना। चाहे पति हो तो भी मत कहना, चाहे आप पत्नी हो तो भी अपने पति को मत कहना। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अधिकतर जीवन साथी एक दूसरे को कहते रहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपने उसके उनके मुंह पे कह दी, कोई बात नहीं, लेकिन उनके मन के अंदर एक टीस पैदा होगी, रह रहकर वो बात उठेगी, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्या मेरे में कोई कमी है? कोई जीवन साथी अकेला ऐसा सोचता रहेगा। आपने तो एक अपने पत्नी को एक बात कह दी, या फिर पत्नी ने पति को कह दी, आप कह गए, भूल गए, लेकिन सामने वाले के मन में वो बात गर्ज कर जाएगी। वो बार बार यही सोचता रहेगा कि आखिर उसने ये बात मेरे लिए क्यों की, और धीरे 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 मन में एक हेट की भावना पैदा होगी आपके लिए। इसलिए जीवन साथी हो तो आप अपने पति पत्नी के बीच में ये बातें कभी ना करें। कहते हैं ना, अधिकतर क्या बात होती है, मां ठीक कहती थी कि तुमसे तो शादी करनी नहीं थी, पत्नी अपने पति को भी कहती है, पति अपने पत्नी को भी कहता है, अधिकतर कहते हैं। ये बातें अपने पति पत्नी या अपने जीवन साथी को कभी ना कहें। चलो ठीक है, किसी परिस्थिति में आप दोनों ने देखा, आप दोनों ने जाना पहचाना, आपकी शादी हुई, अब उस बात को बीच में लाना कि मां ठीक कहती थी तुमसे शादी नहीं करनी थी, वो उसका क्या रीजन है, उसका क्या औचित्य है, उस बात को अब बीच में लाना। माना कि आपकी शादी को 10 साल हो गए, आप 10 साल बाद यह बात कह रहे हो कि मां ठीक कहती थी तुमसे शादी नहीं करनी थी, तो उसका क्या औचित्य है? यह बात अगर आप कहते हो ना, तो सबसे बड़ी गलत बात है। जब आपको शादी नहीं करनी थी तो पहले सोचना था ना, पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना? जब पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ोगे ना, तो आप खुद उखड़ जाओगे, आप दोनों की बॉन्डिंग के बीच में दरार आ जाएगी। इसीलिए चाहे किसी भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, आपके जीवन साथी से आपकी नहीं बन रही है या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मिलजुल बैठकर मुद्दा सुलझाए, लेकिन यह बात मत कहना। यह बात अगर आपने कह दी ना, तो आप तो कह दोगे, लेकिन मन में टीस पैदा हो, और धीरे धीरे एक नफरत की भावना पैदा हो जाएगी आप दोनों के बीच में। ऐसी बातें मत करना पति पत्नी के बीच। सेकंड, मुझे भी तुम पसंद नहीं। कभी कभी आपको पता है, बच्चे बच्चे होते हैं, जब वो लड़ाई करते हैं, या बच्चे बच्चे पापा को कहते हैं, पापा आप हमको पसंद नहीं। बच्चे तो सिर्फ बच्चे की मनोभावना के रूप में कहते हैं, हो सकते हैं उनकी कोई आप इच्छा पूरी नहीं कर रही हो, तो बच्चे कहते थे, बच्चे तो बच्चे, पापा आप मुझे पसंद नहीं। लेकिन साथ में अगर आप माँ हो और आप भी कहते हो अपने पति को कि आप भी मुझे पसंद नहीं, तो ऐसा कभी मत कहना। आपका तो कहना हो जाएगा कि आप मुझे पसंद नहीं, लेकिन जब वो बात दिल में घर कर जाएगी ना, तो आपके बीच में एक नफरत पैदा हो जाएगी, और वो नफरत ऐसी होगी कि आपका रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए भूल कर भी अगर आप पति पत्नी एक दूसरे को ये नहीं कहे कि आप मुझे पसंद नहीं, बच्चे को अलग मैटर है, बच्चा किसी कारण से अपने पापा या मम्मी को कह सकता है कि उनकी विश पूरी नहीं होती है, इसलिए वो कह सकता है कि माँ आप मुझे पसंद नहीं, पापा आप मुझे पसंद नहीं, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से नहीं कहे कि आप मुझे पसंद नहीं। थर्ड, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया सबके सामने ये बात कहना।
पत्नी भी अपने पति को कह सकती है और पति भी अपनी पत्नी को कहता है अधिकतर, और अधिकतर अकेले में तो छोड़ो आप सबके सामने जब परिवार फैमिली के लोग होते तब भी कहते अरे यार तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतना ही नहीं सिखाया। ऐसी बात मत करना अपने जीवन साथी से, चाहे आपकी शादी को कितने साल हो गए। ठीक है वो उनके घर से सब कुछ सीख के आते हैं, लेकिन कुछ न कुछ चीज तो जब वो पत्नी जब अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल में आती है ना तो क्या होता है, सारा सब कुछ वहीं से सीख के थोड़ी आती है क्या, थोड़ा बहुत तो यहीं सीखती। और आप आते ही उसको कह देते हो कि क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही नहीं सिखाया, तो क्या टीस पहुंचती है, क्या ठेस पहुंचती है उनके मन में उनके दिल में। चाहे आपके शादी के 10-15 साल हो गए तो भी ये बात आप अपनी पत्नी को न कहे और पत्नी अपने पति को न कहे कि आपके घर वालों ने आपको ये बात नहीं सिखाई, और सबके सामने इंसल्ट की भावना मत करे। अगर आप पति पत्नी एक दूसरे के सामने ये बात कहोगे ना तो आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इसलिए ये तीन बातें ध्यान रखना कि आपकी शादी को चाहे कितने भी साल हो गए लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से ऐसी बातें कभी ना करें।